नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी कवच। बहुत दिनों की बात है, मैं एक बड़ी रियासत का एक विश्वस्त अधिकारी था। जैसी मेरी आदत है, मैं रियासत के घड़ेबंदियों से पृथक रहता, अपने काम से काम रखता, काजी की तरह शहर के अंदेशे से दुबलाना होता था। महल में आए दिन नए नए शिगुफे लिखते रहते थे, नए नए तमाशे होते रहते थे, नए नए षड्यंत्रों की रचना होती रहती थी, पर मुझे किसी पक्ष से सरोकार ना था, किसी की बात में दखल ना देता था, न किसी की शिकायत करता, न किसी की तारीफ। शायद इसलिए राजा साहब की मुझ पे कृपा दृष्टि रहती थी। राजा साहब शीलवान, दयालु, निर्भीक, उदार और कुछ स्वेच्छाचारी थे। रेजिडेंट की खुशामत करना उन्हें पसंद ना था। जिन समाचार पत्रों से दूसरी रियासतें भयभीत रहती और अपने इलाके में उन्हें आने ना देती थी, वे सब हमारी रियासत में बेरोक टोक आते थे। एक दो बार रेजिडेंट ने इस बारे में कुछ इशारा भी किया, लेकिन राजा साहब ने इसकी बिल्कुल परवाह ना की। अपने आंतरिक शासन में वे किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना चाहते थे, इसीलिए रेजिडेंट भी उनसे मन ही मन द्वेष करता था। लेकिन इसका यह आशय नहीं है कि राजा साहब प्रजावत्सल, दूरदर्शी, नीति कुशल या मित्यवयी शासक थे। यह बात ना थी। वे बड़े ही विलास प्रिय, रसिक और दुर्व्यसनी थे। उनका अधिकांश समय विषय वासना की ही भेंट होता था। रनवास में दर्जनों रानियां थी, फिर भी आए दिन नई नई चिड़िया आती रहती थी। इस मद में लेश मात्र भी किफायत या कंजूसी ना की जाती थी। सौंदर्य की उपासना उनका गौण स्वभाव सा हो गया था। इसके लिए वे दीन और ईमान तक की हत्या करने को तैयार रहते। वे स्वच्छंद रहना चाहते थे, और चूंकि सरकार उन्हें बंधनों में डालना चाहती थी, वे उन्हें चिढ़ाने के लिए ऐसे मामले में असाधारण अनुराग और उत्साह दिखाते थे जिनमें उन्हें प्रजा की सहायता और सहानुभूति का पूरा विश्वास होता था। इसलिए प्रजा उनके दुर्गुणों को भी सद्गुण समझती, और अखबार वाले भी सदैव उनकी निर्भीकता और प्रजा प्रेम के राग अलापते रहते थे। इधर कुछ दिनों से एक पंजाबी औरत रनवास में दाखिल हुई थी। उसके विषय में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थी। कोई कहता था मामूली वैश्या है, कोई एक्ट्रेस बतलाता था, कोई भले घर की लड़की। ना वे रूपवती थी और ना बहुत तरदार, फिर भी राजा साहब उस पर दिलो जान से फिदा थे। राजकाज में उन्हें यूं ही बहुत प्रेम ना था, मगर अब तो वे उसी के हाथों बिक गए थे। वही उनके रोम रोम में व्याप्त हो गई थी। उसके लिए एक नया राजप्रसाद बन रहा था। नित नए नए उपहार आते रहते। भवन की सजावट के लिए यूरोप से नई नई सामग्रियां मंगवाई थी। उसे गाना और नाचना सिखाने के लिए इटली, फ्रांस और जर्मनी के उस्ताद बुलाए गए थे। सारी रियासत में उसी का डंका बजता था। लोगों को आश्चर्य होता था कि इस रमणी में ऐसा कौन सा गुण है जिसने राजा साहब को इतना आसक्त और आकर्षित कर रखा है। एक दिन रात को मैं भोजन करके लेटा ही था कि राजा साहब ने याद फरमाया। मन में एक प्रकार का संशय हुआ कि इस समय खिलाफ मामूल क्यों मेरी तलबी हुई। मैं राजा साहब के अंतरंग मंत्रियों में से ना था, इसलिए भय हुआ कि कहीं कोई विपत्ति तो नहीं आने वाली है। रियासतों में ऐसी दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। जिसे प्रातःकाल राजा साहब की बगल में बैठे हुए देखिए, उसे संध्या समय अपनी जान लेकर रियासत के बाहर भागते हुए भी देखने में आया है। मुझे संदेह हुआ, किसी ने मेरी शिकायत तो नहीं कर दी। रियासतों में निष्पक्ष रहना भी खतरनाक है। ऐसे आदमी का अगर कोई शत्रु नहीं होता तो कोई मित्र भी नहीं होता। मैंने तुरंत कपड़े पहने और मन में तरह तरह की दुष्कल्पनाएं करता हुआ राजा साहब की सेवा में उपस्थित हुआ। लेकिन पहली ही निगाह में मेरे सारे संशय मिट गए। राजा साहब के चेहरे पर क्रोध की जगह विषाद और निराशा का गहरा रंग झलक रहा था। आंखों में एक विचित्र याचना झलक रही थी।
मुझे देखते ही उन्होंने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और बोले, क्यों जी सरदार साहब? साहब, तुमने कभी प्रेम किया है? किसी से प्रेम में अपने आप को खो बैठे हो? मैं समझ गया कि इस वक्त अदब और लिहाज की जरूरत नहीं। राजा साहब किसी व्यक्तिगत विषय में मुझसे सलाह करना चाहते हैं। निसंकोच होकर बोला, दीन बंधु, मैं तो कभी इस जाल में नहीं फंसा। राजा साहब ने मेरी तरफ खासदान बढ़ाकर कहा, तुम बड़े भाग्यवान हो। अच्छा हुआ कि तुम इस जाल में नहीं फंसे। यह आंखों को लुभाने वाला सुनहला जाल, यह मीठा किंतु कितना घातक विष है। यह वह मधुर संगीत है जो कानों को तो भला मालूम होता है पर हृदय को चूर चूर कर देता है। यह वह माया मिर्ग है जिसके पीछे आदमी अपने प्राण ही नहीं अपनी इल्लत तक खो बैठता है। उन्होंने गिलास में शराब उड़ेली और एक चुस्की लेकर बोले, जानते हो मैंने इस सरफराज के लिए कैसी कैसी परेशानियां उठाई। मैं उसके बहों के एक इशारे पर अपना ये सिर उसके पैरों पर रख सकता था, यह सारी रियासत उसके चरणों पर अर्पित कर सकता था। इन्हीं हाथों से मैंने उसका पलंग बिछाया, उसे हुक्का भर भर पिलाया, उसके कमरे में झाड़ू लगाई है। वे पलंग से उतरती थी तो मैं उसकी जूती सीधी करता था। इस खिदमत गुजारी में मुझे कितना आनंद प्राप्त होता था तुमसे बयान नहीं कर सकता। मैं उसके सामने जाकर उसके इशारों पर गुलाम हो जाता था। प्रभुता और रियासत का गुरूर मेरे दिल से लुप्त हो जाता था। उसकी सेवा शुश्रूषा में मुझे तीनों लोक का राज मिल जाता था। पर इस जालिम ने हमेशा मेरी उपेक्षा की। शायद वे मुझे अपने योग्य ही नहीं समझती थी। मुझे ये अभिलाषा ही रह गई है कि वे एक बार अपनी उन मस्तानी रसीली आंखों से, एक बार, बस एक बार रस भरे हुए होठों से मेरी तरफ मुस्कुराती। मैंने समझा था शायद वह उपासना की ही वस्तु है, शायद उसे इन रहस्यों का ज्ञान नहीं। हाँ, मैंने समझा था शायद अभी अल्लड़पन उसके प्रेमोद्गारों पर मोहर लगाए हुए है। मैं इस आशा से अपने व्यथित हृदय को तस्कीन देता था कि कभी तो मेरी अभिलाषाएं पूरी होंगी, कभी तो उसकी सोई हुई कल्पना जागेगी। राजा साहब एकाएक चुप हो गए, फिर कदे आदम शीशे की तरफ देखकर शांत भाव से बोले, मैं इतना कुरूप तो नहीं हूं कि कोई रमणी मुझसे इतनी घृणा करे। राजा साहब बहुत ही रूपवान आदमी थे। ऊंचा कद था, भरा हुआ बदन, सेवका सा रंग, चेहरे से तेज झलकता था। मैंने निर्भीक होकर कहा, इस विषय में तो प्रकृति ने हुजूर के साथ बड़ी उदारता के साथ काम लिया है। राजा साहब के चेहरे पर एक क्षीण उदास मुस्कुराहट दौड़ गई, मगर फिर वही नैराश्य छा गया। बोले, सरदार साहब, मैंने इस बाजार की खूब सैर की है। सम्मोहन और वशीकरण के जितने लटके हैं उन सबों से परिचित हूं, मगर जिन मंत्रों से मैंने अब तक हमेशा विजय पाई है वे सब के सब इस अवसर पर निरर्थक सिद्ध हुए। अंत को मैंने यही निश्चय किया कि कुआ ही अंधा है, इसमें प्यास को शांत करने की सामर्थ्य नहीं मगर शोक। कल मुझ पर इस निष्ठुरता और उपेक्षा का रहस्य खुल गया। काश ये रहस्य कुछ दिन और मुझसे छिपा रहता। कुछ दिन और मैं इसी भ्रम, इसी अज्ञान अवस्था में पड़ा रहता। राजा साहब का उदास चेहरा एकाएक कठोर हो गया। उन शिथिल नेत्रों में ज्वाला सी चमक उठी। बोले, देखिए देखिए, वह पत्र है जो कल गुप्त रूप से मेरे हाथ लगे हैं। मैं इस वक्त इस बात की जांच पड़ताल करना व्यर्थ समझता हूँ कि ये पत्र मेरे पास किसने भेजे, उसे ये कहाँ मिले। अवश्य ही ये सरफराज की अहित कामना के इरादे से भेजे गए होंगे। मुझे तो केवल यह निश्चय करना है कि ये पत्र असली हैं या नकली। मुझे तो उनके असली होने में अणुमात्र भी संदेह नहीं। मैंने सरफराज की लिखावट देखी है, उसकी बातचीत के अंदाज से अनभिज्ञ नहीं हूँ। उसकी जबान पर जो वाक्य चढ़े हुए हैं उन्हें खूब जानता हूँ। इन पत्रों में वही लिखावट है
कितनी भीषण परिस्थिति है। इधर मैं तो एक मधुर मुस्कान, एक मीठी अदा के लिए तरसता हूँ, उधर प्रेमियों के नाम प्रेम पत्र लिखे जाते हैं, वियोग वेदना का वर्णन किया जाता है। मैंने इन पत्रों को पढ़ा है, पत्थर सा दिल करके पढ़ा है, खून का घूट पी पी कर पढ़ा है और अपनी बोटियों को नोच नोच कर पढ़ा है। आंखों से रक्त की बूंदें निकल निकल आई हैं। ये दगा, ये तिरिया चरित्र मेरे महल में रहकर, मेरी कामनाओं को पैरों से कुचलकर, मेरी आशाओं को ठुकराकर ये क्रीड़ाएं होती हैं। मेरे लिए खारे पानी की एक बूंद भी नहीं, दूसरे पर सुधा जल की वर्षा हो रही है। मेरे लिए एक चुटकी भर आटा नहीं, दूसरों के लिए सटरस पदार्थ परसे जा रहे हैं। तुम अनुमान नहीं कर सकते कि इन पत्रों को पढ़कर मेरी क्या दशा हुई। पहला उद्वेग जो मेरे हृदय में उठा वह यह था कि इसी वक्त तलवार लेकर जाऊं और उस बेदर्द के सामने यह कटार अपनी छाती में भोंक लूं, उसी के आंखों के सामने एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाऊं। शायद मेरे बाद मेरे प्रेम की कद्र करे, शायद मेरे खून की गर्म छींटे उसके वज्र कठोर हृदय को द्रवित कर दें। लेकिन अंतस्थल के नामालूम किस परदेश से आवाज आई, यह सरासर नादानी है, तुम मर जाओगे, और यह छलनी तुम्हारे प्रेमोपहारों से दामन भरे। दिल में तुम्हारी मूर्खता पर हंसती हुई दूसरे ही दिन अपने प्रियतम के पास चली जाएगी। दोनों तुम्हारी दौलत के मजे उड़ाएंगे और तुम्हारी वंचित दलित आत्मा को तड़पाएंगे। सरदार साहब, विश्वास मानिए, यह आवाज मुझे अपने ही हृदय के किसी स्थल से सुनाई दी। मैंने उसी वक्त तलवार निकालकर कमर से रख दी। आत्महत्या का विचार जाता रहा और एक ही क्षण में बदले का प्रबल उद्वेग हृदय में चमक उठा। देह का एक एक परमाणु एक आंतरिक ज्वाला से उत्तप्त हो उठा, एक एक रोई से आग सी निकलने लगी। इसी वक्त जाकर उसकी कपट लीला का अंत कर दूं। जिन आंखों की निगाह के लिए अपने प्राण तक निछावर करता था, उन्हें सदैव के लिए ज्योतिहीन कर दूं। उन विषाक्त अधरों को सदैव के लिए स्वरहीन कर दूं। जिस हृदय में इतनी निष्ठुरता, इतनी कठोरता और इतना कपट भरा हुआ हो, उसे चीर कर पैरों से कुचल डालूं। खून सा सिर पर सवार हो गया, सरफराज की सारी महत्ता, सारा माधुर्य, सारा भाव विलास दूषित मालूम होने लगा। उस वक्त अगर मुझे मालूम हो जाता कि सरफराज की किसी ने हत्या कर डाली है, तो शायद मैं उस हत्यारे के पैरों का चुंबन करता। अगर सुनता कि वे मरनासन है, तो उसके दम तोड़ने का तमाशा देखता। खून का दृढ़ संकल्प करके मैंने दोहरी तलवारें कमर में लगाई और उसके शयनागार में दाखिल हुआ। जिस द्वार पर जाते ही आशा और भय का संग्राम होने लगता था, वहां पहुंचकर इस वक्त मुझे वह आनंद हुआ जो शिकारी को शिकार करने में होता है। सरदार साहब, उन भावनाओं और उद्गारों का जिक्र न करूंगा जो उस समय मेरे हृदय को आंदोलित करने लगे। अगर वाणी में इतनी सामर्थ्य है, तो मन को इस चर्चा से उद्विग्न नहीं करना चाहता। मैंने दबे पांव कमरे में कदम रखा। सरफराज विलास में निद्रा में मग्न थी, मगर उसे देखकर मेरे हृदय में एक विचित्र करुणा उत्पन्न हुई। जी हाँ, वह क्रोध और उत्पात ना जाने कहाँ गायब हो गया। उसका क्या अपराध है, यह प्रश्न आकस्मिक रूप से मेरे हृदय में पैदा हुआ। उसका क्या अपराध है? अगर उसका वही अपराध है जो इस समय मैं कर रहा हूँ, तो मुझे उससे बदला लेने का क्या अधिकार है? अगर वे अपने प्रियतम के लिए उतनी ही विकल, उतनी ही अधीर, उतनी ही आतुर है जितना मैं हूँ, तो उसका क्या दोष है? जिस तरह मैं अपने दिल से मजबूर हूँ, क्या वह भी अपने दिल से मजबूर रत्नों से मेरे प्रेम को बिसाना चाहे? तो क्या मैं उसके प्रेम में अनुरक्त हो जाऊंगा? शायद नहीं, मैं मौका पाते ही भाग निकलूंगा। यह मेरा अन्याय है, मगर मुझ में वह गुण होते जो उसके अज्ञात प्रियतम में है, तो उसकी तबीयत क्यों मेरी ओर आकर्षित ना होती? मुझ में वह बातें नहीं है कि मैं उसका जीवन सर्वस्व बन सकूं। अगर मुझे कोई कड़वी चीज अच्छी नहीं लगती,
तो मैं स्वभावता हलवाई की दुकान की तरफ जाऊंगा जो मिठाइयां बेचता है। संभव है धीरे धीरे मेरी रुचि बदल जाए और मैं कड़वी चीजें पसंद करने लगूं। लेकिन बला तलवार की नोक पर कोई कड़वी चीज मेरे मुंह में नहीं डाल सकता। इन विचारों ने मुझे पराजित कर दिया। वह सूरत जो एक क्षण पहले मुझे काटे खाती थी, उसमें पहले से सतगुणा आकर्षण था। अब तक मैंने उसको निद्रा मग्न ना देखा था। निद्रा अवस्था में उसका रूप और भी निष्कलंक और आनिंदे मालूम हुआ। जागृति में निगाह कभी आंखों के दर्शन करती, कभी अधरों के, कभी कपोलों के। इस नींद में उसका रूप अपनी संपूर्ण कलाओं से चमक रहा था। रूप छटा था कि दीपक जल रहा था। राजा साहब ने फिर प्याला मुंह से लगाया और बोले, सरदार साहब, मेरा जोश ठंडा हो गया। जिससे प्रेम हो गया उसे द्वेष नहीं कर सकता, चाहे वह हमारे साथ कितना ही अन्याय क्यों ना करे। जहां प्रेमिका प्रेमी के हाथों कत्ल हो, वहां समझ लीजिए कि प्रेम ना था, केवल विषय लालसा थी। मैं वहां से चला आया, लेकिन चित किसी तरह शांत नहीं होता। तब उसे, अब तक मैंने क्रोध से जीतने की भरसक कोशिश की मगर असफल रहा। जब तक वह शैतान जिंदा है, मेरे पहलू में एक कांटा खटकता रहेगा, मेरी छाती पर सांप लौटता रहेगा। वही काला नाम फन उठाए हुए उस रत्न राशि पर बैठा हुआ है, वही मेरे और सरफराज के बीच में लोहे की दीवार बना हुआ है, वही इस दूध की मक्खी है। उस सांप का सिर कुचलना होगा। जब तक मैं अपनी आंखों से उसकी धज्जियां बिखरते ना देखूंगा, मेरी आत्मा को संतोष ना होगा। परिणाम की कोई चिंता नहीं, कुछ भी हो, मगर उस नर पिशाच को जहन्नुम दाखिल करके दम लूंगा। यह कहकर राजा साहब ने मेरी ओर पूर्ण नेत्रों से देखकर कहा, बतलाइए बतलाइए आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं। मैंने विस्मय से कहा, मैं? राजा साहब ने मेरा उत्साह बढ़ाते हुए कहा, जी हाँ आप जानते हैं मैंने इतने आदमियों को छोड़कर आपको क्यों अपना विश्वासपात्र बनाया और क्यों आपसे ये भिक्षा मांगी। यहाँ ऐसे आदमियों की कमी नहीं है जो मेरा इशारा पाते ही उस दुष्ट के टुकड़े उड़ा देंगे, सरे बाजार उसके रक्त से भूमि को रंग देंगे। जी हाँ, एक इशारे से उसकी हड्डियों का बुरादा बना सकता हूँ, उसके नहों में कीले ठुकवा सकता हूँ, मगर मैंने सबको छोड़कर आपको छाटा। जानते हैं क्यों? इसलिए कि मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है, वह विश्वास जो मुझे अपने निकटतम आदमियों पर भी नहीं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में यह भेद उतना ही गुप्त रहेगा जितना मेरे। मुझे विश्वास है कि प्रलोभन अपनी चरम शक्ति का उपयोग करके भी तुम्हें नहीं डिगा सकता, पाशविक अत्याचार भी तुम्हारे अधरों को नहीं खोल सकते। तुम बेवफाई ना करोगे, दगा ना करोगे, इस अवसर से अनुचित लाभ ना उठाओगे। जानते हो इसका पुरस्कार क्या होगा? इसके विषय में तुम कुछ भी शंका ना करो। मुझ में और चाहे कितने ही दुर्गुण हो, कृतघ्नता का दोष नहीं है। बड़े से बड़ा पुरस्कार जो मेरे अधिकार में है वह तुम्हें दिया जाएगा। मनसब, जागीर, धन, सम्मान सब तुम्हारी इच्छा अनुसार दिए जाएंगे। इसका संपूर्ण अधिकार तुमको दिया जाएगा, कोई दखल ना देगा। तुम्हारी महत्वाकांक्षा को उच्चतम शिखर तक उड़ने की आजादी होगी। तुम खुद फरमान लिखोगे और मैं उस पर आंखें बंद करके दस्तखत करूंगा। बोलो बोलो कब जाना चाहते हो? उसका नाम और पता इस कागज पर लिखा हुआ है, इसे अपने हृदय पर अंकित कर लो और कागज फाड़ डालो। तुम खुद समझ सकते हो कि मैंने कितना बड़ा भार तुम्हारे ऊपर रखा है। मेरी आबरू, मेरी जान तुम्हारी मुट्ठी में है। मुझे विश्वास है कि तुम इस काम को सुचारू रूप से पूरा करोगे। जिन्हें अपना सहयोगी बनाओगे वे भरोसे के आदमी होंगे। तुम्हें अधिकतम बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और धैर्य से काम लेना पड़ेगा। एक असंयत शब्द, एक क्षण का विलंब, चरासी लापरवाही,
मेरे और तुम्हारे दोनों के लिए प्राण घातक होगी। दुश्मन खात में बैठा हुआ है। कर तो डर, ना कर तो डर का मामला है। यूं ही गद्दी से उतारने के मंसूबे सोचे जा रहे हैं। इस रहस्य के खुल जाने पर क्या दुर्गति होगी, इसका अनुमान तुम आप कर सकते हो। मैं बर्मा में नजरअंदाज कर दिया जाऊंगा, रियासत गैरों के हाथ में चली जाएगी और मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आज ही चले जाओ। यह इंपीरियल बैंक का चेकबुक है, मैंने चेकों पर दस्तखत कर दिए हैं। जब जितने रुपयों की जरूरत हो ले लेना। मेरा दिमाग सातवें आसमान पर जा पहुंचा। अब मुझे मालूम हुआ कि प्रलोभन में ईमान को बिगाड़ने की कितनी शक्ति होती है। मुझे जैसे कोई नशा हो गया। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि अपने भाग्य निर्माण का अवसर हर एक आदमी को मिलता है और एक ही बार। जो इस अवसर को दोनों हाथों से पकड़ लेता है वह मर्द है। जो आगा पीछा में पढ़कर इसे छोड़ देता है वह कायर होता है। एक को धन, यश, गौरव नसीब होता है और दूसरा खेद, लज्जा और दुर्दशा में रो रोकर जिंदगी के दिन काटता है। फैसला करने के लिए केवल एक क्षण का समय मिलता है। वह समय कितना बहुमूल्य होता है। मेरे जीवन में यह वही अवसर था। मैंने उसे दोनों हाथों से पकड़ने का निश्चय किया। सौभाग्य अपनी सर्वोत्तम सिद्धियों का थाल लिए मेरे सामने हाजिर है। वे सारी विभूतियों जिनके लिए आदमी जीता मरता है मेरा स्वागत करने के लिए खड़ी हैं। अगर इस समय मैं उनकी उपेक्षा करूं तो मुझ जैसा अभागा आदमी संसार में ना होगा। माना कि बड़े जोखिम का काम है, लेकिन पुरस्कार तो देखो, दरिया में गोता लगाने ही से तो मोती मिलता है। तख्त पर बैठे हुए कायरों के लिए कोड़ियों और घोघों के सिवा और क्या है। माना कि बेगुनाह के खून से हाथ रगना पड़ेगा, क्या मुजायका, बलिदान से ही वरदान मिलता है। संसार समर भूमि है, यहाँ लाशों का जीना बनाकर उन्नति के शिखर पर चढ़ना पड़ता है। खून के नालों में तैर कर ही विजय तट मिलता है। संसार का इतिहास देखो, सफल पुरुषों का चरित्र रक्त के अक्षरों में लिखा हुआ है। वीरों ने सदैव खून के दरिया में गोते लगाए हैं, खून की होलियां खेली हैं। खून का डर दुर्बलता और कम हिम्मती का चिन्ह है। कर्मयोगी की दृष्टि लक्ष्य पर रहती है, मार्ग पर नहीं, शिखर पर रहती है, मध्यवर्ती चट्टानों पर नहीं। मैंने खड़े होकर अर्ज की, गुलाम इस खिदमत के लिए हाजिर है। राजा साहब ने सम्मान की दृष्टि से देखकर कहा, मुझे तुमसे यही आशा थी। हमारा दिल कहता है कि तुम ये काम पूरा कराओगे, मुझे विश्वास है। मेरा भी यही विचार था। देखो, एक एक क्षण का समाचार भेजते रहना। ईश्वर ने चाहा तो हुजूर को शिकायत का कोई मौका न मिलेगा। ईश्वर का नाम लो, ईश्वर ऐसे मौके के लिए नहीं है। ईश्वर की मदद उस वक्त मांगो जब अपना दिल कमजोर हो। जिसकी बाहों में शक्ति, मन में विकल्प, बुद्धि में बल और साहस है, वह ईश्वर का आश्रय क्यों ले। अच्छा, जाओ और जल्द सुर्खरू होकर लौटो, आंखें तुम्हारी तरफ लगी रहेंगी। मैंने आत्मा की आलोचनाओं को सिर तक ना उठाने दिया। उस दुष्ट को क्या अधिकार था कि वे सरफराज से ऐसा कुत्सिक संबंध रखे। जब उसे मालूम था कि राजा साहब ने उसे अपने हरम में दाखिल कर लिया है, यह लगभग उतना ही गर्हित अपराध है जितना किसी विवाहिता स्त्री को भगा ले जाना। सरफराज एक प्रकार से विवाहिता है। ऐसी स्त्री से पत्र व्यवहार करना, उस पर डोरे डालना, किसी दशा में भी क्षम्य नहीं हो सकता। ऐसे संगीन अपराध की सजा भी उतनी ही संगीन होनी चाहिए। अगर मेरे हृदय में उस वक्त तक कुछ दुर्बलता, कुछ संशय, कुछ अविश्वास था, तो इस तर्क ने उसे दूर कर दिया। सत्य का विश्वास सत्साहस का मंत्र है। अब वह खून मेरी नजरों में पाप में हत्या नहीं, जायज खून था, और उसे मुंह मोड़ना लज्जाजनक कायरता। गाड़ी के जाने में अभी 2 घंटे की देर थी। रात भर का सफर था, लेकिन भोजन की ओर बिल्कुल रुचि ना थी। मैंने सफर की तैयारियां शुरू की। बाजार से एक नकली दाढ़ी लाया, ट्रंक में 2 रिवॉल्वर रख लिए, फिर सोचने लगा,
किसे अपने साथ ले चलूं? यहां से किसी को ले जाना तो नीति विरुद्ध है। फिर क्या अपने भाई साहब को तार दूं? हाँ हाँ हाँ, यही उचित है। उन्हें लिख दूं कि मुझसे बंबई में आकर मिले। लेकिन नहीं, भाई साहब को क्यों फंसाऊं? कौन जाने क्या हो, बंबई में ऐसे आदमी की क्या कमी। 1,00,000 रुपए का लालच दूंगा, चुटकियों में काम हो जाएगा। वहां एक से एक शातिर पड़े हैं, जो चाहे हो, फरिश्तों का भी खून कराएं। बस बस इन महाशय को किसी हिकमत से किसी वैश्या के कमरे में लाया जाए और वहीं उनका काम तमाम कर दिया जाए। या समुद्र के किनारे जब वे हवा खाने निकले तो वहीं मारकर लाश समुद्र में डाल दी जाए। अभी जो कि देर थी, मैंने सोचा लाओ संध्या कर लूं। जो ही संध्या के कमरे में कदम रखा, माताजी के तिरंगे चित्र पर नजर पड़ी। मैं मूर्ति पूजक नहीं हूं, धर्म की ओर मेरी प्रवृत्ति नहीं है, ना कभी कोई व्रत रखता हूं। लेकिन ना जाने क्यों उस चित्र को देखकर अपनी आत्मा में एक प्रकाश का अनुभव करता हूं। उन आंखों में मुझे अब भी वही वात्सल्य में ज्योति, वही देवी आशीर्वाद मिलता है जिसकी बाल स्मृति अब भी मेरे हृदय को गदगद कर देती है। वह चित्र मेरे लिए चित्र नहीं बल्कि सजीव प्रतिमा है जिसने मेरी सृष्टि की है और अब भी मुझे जीवन प्रदान कर रही है। उस चित्र को देखकर मैं यकायक चौंक पड़ा, जैसे कोई आदमी उस वक्त चोर के कंधे पर हाथ रखकर कूदे जब वह सेंध मार रहा हो। इस चित्र को रोज ही देखा करता था, दिन में कई बार उस पर निगाह पड़ती थी, पर आज मेरे मन की जो दशा हुई वे कभी ना हुई थी। कितनी लज्जा और कितना क्रोध, मानो वे कह रही थी मुझे तुझसे ऐसी आशा ना थी। मैं उस तरफ ताक ना सका, फौरन आंखें झुका ली। उन आंखों के सामने खड़े होने की हिम्मत मुझे ना हुई। वे तस्वीर की आंख ना थी, सजीव तीव्र और ज्वाला में हृदय में बैठने वाली नोकदार भाले की तरह हृदय में चुभने वाली आंखें थी। मुझे ऐसा मालूम हुआ गिर पड़ूंगा, मैं वहीं फर्श पर बैठ गया। मेरा सिर आप ही आप झुक गया, बिल्कुल अज्ञात रूप से, मानो किसी देवी प्रेरणा से मेरे संकल्प में एक में कांति सी हो गई। उस सत्य के पुतले, उस प्रकाश की प्रतिमा ने मेरी आत्मा को सजग कर दिया। मन में क्या क्या भाव उत्पन्न हुए, क्या क्या विचार उठे, इसकी मुझे खबर नहीं। मैं इतना ही जानता हूं कि मैं एक सम्मोहित दशा में घर से निकला, मोटर तैयार कराई और 10 बजे राजा साहब की सेवा में जा पहुंचा। मेरे लिए उन्होंने विशेष रूप से ताकीद कर दी थी, जिस वक्त चाहूं उनसे मिल सकूं, कोई अड़चन ना पड़ी। मैं जाकर नम्र भाव से बोला, हुजूर कुछ अर्ज करना चाहता हूं। राजा साहब अपने विचार में इस समस्या को सुलझाकर इस वक्त इत्मीनान की सांस ले रहे थे। मुझे देखकर उन्हें किसी नई उलझन का संदेह हुआ, त्योरियों पर पल पड़ गए। मगर एक ही क्षण में नीति ने विजय पाई, मुस्कुराकर बोले, हाँ हाँ कहिए, कोई खास बात? मैंने निर्भीक होकर कहा, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे ये काम ना होगा। राजा साहब का चेहरा पीला पड़ गया, मेरी ओर विस्मय से देखकर बोले, इसका मतलब? मैं यह काम ना कर सकूंगा। क्यों? मुझ में वह सामर्थ्य नहीं है, राजा साहब ने व्यंग्यपूर्ण नेत्रों से देखकर कहा। शायद आत्मा जागृत हो गई। क्यों? वही बीमारी जो कायरों और नामर्दों को हुआ करती है। अच्छी बात है, जाओ। हुजूर आप मुझसे नाराज ना हो, मैं अपने में वह, राजा साहब ने सिंह की भांति आग्ने नेत्रों से देखते हुए गरज कर कहा, पको मत नमक। फिर कुछ नम्र होकर बोले, तुम्हारे भाग्य में ठोकरे खाना ही लिखा है। मैंने तुम्हें वे अवसर दिया था जिसे कोई दूसरा आदमी देवी वरदान समझता, मगर तुमने उसकी कदर ना की। तुम्हारी तकदीर तुमसे फिरी हुई है, हमेशा गुलामी करोगे और धक्के खाओगे। तुम जैसे आदमियों के लिए गेरुए बाने हैं और कमंडल तथा पहाड़ की गुफा। इस धर्म और अधर्म की समस्या पर विचार करने के लिए उसे वैराग्य की जरूरत है। संसार मर्दों के लिए है। मैं पछता रहा था
कि मैंने पहले ही क्यों ना इनकार कर दिया। राजा साहब ने एक क्षण के बाद फिर कहा, अब भी मौका है, फिर सोचो। मैंने उसी निशंक तत्परता के साथ कहा, हुजूर मैंने खूब सोच लिया है। राजा साहब होठ दांतों से काट कर बोले, बेहतर है, जाओ और आज ही रात को मेरे राज्य की सीमा के बाहर निकल जाओ। शायद कल तुम्हें इसका अवसर ना मिले। मैं ना मालूम क्या समझकर तुम्हारी जान बख्शी कर रहा हूँ। ना जाने कौन मेरे हृदय में बैठा हुआ तुम्हारी रक्षा कर रहा है। मैं इस वक्त अपने आपे में नहीं हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी शराफत पर भरोसा है। मुझे अब भी विश्वास है कि इस मामले को तुम दीवार के सामने भी जबान पर ना लाओगे। मैं चुपके से निकल आया और रातों रात राज्य के बाहर पहुंच गया। मैंने उस चित्र के सिवा और कोई चीज अपने साथ ना ली। इधर सूर्य ने पूर्व की सीमा में पदार्पण किया, उधर मैं रियासत की सीमा से निकलकर अंग्रेजी इलाके में जा पहुंचा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।